1 फरवरी 2003 वह तारीख थी जिसे कोई इंडियन कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि ये वही दिन था जब भारत ने कल्पना चावला को खोया था, जो नासा में काम कर रही थी और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 15 दिन के बाद वापस लौट रही थी। आई नो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम कल्पना चावला की बात क्यों कर रहे हैं। वाल बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पर ऐसा लगता है कि इतिहास शायद खुद को दोहरा रहा है, क्योंकि एक बार फिर वही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वही बोइंग कंपनी का स्पेसक्राफ्ट है और वहीं फंसी हुई हैं भारतीय मूल की एक और अंतरिक्ष यात्री, जिनका नाम है सुनीता विलियम्स, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई तो 10 दिन के लिए थी, मगर आज उन्हें वहां 60 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनके स्पेसक्राफ्ट की लाइफ ही 45 दिन की है। अब सुनीता विलियम्स का क्या होगा, वह कैसे वापस आएंगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नासा ने अभी तक उनकी वापसी की कोई ऑफिशियल डेट तक नहीं दी है। आखिर क्या है यह पूरा मामला बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पिछले 2 महीने से एक खबर लगातार चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि न्यूज ही कुछ ऐसी है। असल में 2 फेमस एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं, जिनमें से एक भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स हैं और दूसरी हैं बैरी विलमोर। ये दोनों 10 दिन के एक मिशन के लिए गए थे, मगर इन्हें 60 दिन गुजर चुके हैं, ना तो ये वापस लौटे हैं और ना ही उनके लौटने के आसार नजर आते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नासा के पास कोई ऑफिशियल डेट ही नहीं है कि ये दोनों कब वापस धरती पर लौटेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि न धरती में लौटने के लिए इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो बता दें कि बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के मल्टीपल पार्ट्स फेलियर पाए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इंजीनियर्स का कहना है कि इस रॉकेट के साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करने पर एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। और अगर फिर भी ऐसा किया गया तो कल्पना चावला जैसा इंसिडेंट हमें दोबारा देखने को मिल सकता है। मगर सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि इस तरह से कब तक सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन में फंसी रहेंगी? क्या उन्हें कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि नासा उन्हें वापस लाना ही नहीं चाहती? वेल, इसके लिए आपको इस स्पेसक्राफ्ट के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही आपको यह भी जानना होगा कि इस स्पेसक्राफ्ट में आखिर समस्या क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी अगर चाहे तो उनकी जान बचा सकती है। मगर बात बोइंग कंपनी के प्रॉफिट पर आ जाती है। अब यह यूएसए गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट करता है कि वे कंपनी के प्रॉफिट को ज्यादा तवज्जो देगी या फिर 2 एस्ट्रोनॉट्स की जान को। मगर सबसे पहले बात करते हैं इस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की। अगर बात की जाए कोलंबिया स्पेस शटल की, जिसमें लगी आग की वजह से कल्पना चावला और 6 दूसरे एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान गंवा दी थी, यह इंसिडेंट एस्ट्रोनॉमी के इतिहास के मोस्ट ट्रेजिक इवेंट्स में से एक है। साथ ही इसे एक टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है, क्योंकि इसके बाद नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियों ने एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए अपनी रॉकेट को और भी ज्यादा बेहतर बनाना शुरू कर दिया था, ताकि इस तरह का एक्सीडेंट कभी दोबारा देखने को ना मिले और ना ही किसी एस्ट्रोनॉट को अपनी जान गंवानी पड़े। मगर आज जो सुनीता विलियम्स के साथ हो रहा है, उसे देखकर ये कहना मुश्किल है कि क्या वास्तव में स्पेस एजेंसियां एस्ट्रोनॉट्स की जान की परवाह करती हैं या नहीं, क्योंकि पिछले महीने से जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर चल रहा है उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक सुपर बग आ गया था, जिसकी वजह से वहां एस्ट्रोनॉट्स बीमार होने लगे थे और वे लोग ठीक भी नहीं हो पाए। इससे पहले ही स्पेसक्राफ्ट में ऐसी समस्या आ गई जिसे कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेसक्राफ्ट की जो खराबी की घटना कल्पना चावला के दौरान हुई थी, कुछ ऐसा ही इवेंट दोबारा भी रिपीट हो सकता है। अगर इसमें कुछ सेम घटनाओं की बात करें तो उस वक्त भी बोइंग कंपनी का रॉकेट ही शामिल था और आज भी यही शामिल है। अगर बात की जाए सुनीता विलियम्स की, तो वह अमेरिका में जन्मी एक इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट है। सुनीता विलियम्स ने एस्ट्रोनॉमी में अपने अलग ही रिकॉर्ड बनाए हैं। उनके पास किसी फीमेल द्वारा 50 घंटे 40 मिनट की सबसे लंबी स्पेस वॉक का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। साथ ही हम आपको बताते चलें कि सुनीता विलियम्स ही वह पहली महिला हैं जो ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट की टेस्ट पायलट भी रह चुकी हैं। इन्होंने 1998 में नासा को ज्वाइन किया था। वैसे आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंची हैं। इससे पहले भी ये ISS जा चुकी हैं। असल में 2012 से अब तक सुनीता ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई मिशन किए हैं, मगर इस बार की स्थिति अलग है। वेल, इस बार सुनीता एंड बैरी 10 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची थी, मगर उनका मिशन लगातार बढ़ता गया और अब उन्हें वहां पहुंचे 60 दिन हो चुके हैं। लेकिन यह मिशन अभी भी खत्म नहीं हो रहा है।
पता है क्यों? क्योंकि उनके पास धरती पर वापस आने के लिए एक सुरक्षित स्पेसक्राफ्ट ही मौजूद नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस स्पेसक्राफ्ट में ये गई थी आखिर उसी से वापस क्यों नहीं आ सकती। तो बताते चलें कि ये बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंची थी, मगर उसमें कुछ सीरियस इश्यूज आ गए हैं जिनके साथ धरती के एटमॉस्फेयर में प्रवेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। अगर बात की जाए सुनीता के ISS जाने की, तो 5 जून 2024 को केप कनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा में इन्होंने बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से एस्ट्रोनॉट्स बैरी बिलमोर के साथ धरती से 460 किलोमीटर ऊपर बने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर उड़ान भरी थी। वैसे यहां पर हम आपको बता दें कि स्टारलाइनर का यह पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन था। हालांकि धरती से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने का सफर इसने सक्सेसफुली तय कर लिया था। हम जानते हैं कि अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह स्पेस स्टेशन में पहली बार पहुंचा था तो इससे पहले के मिशन कैसे किए जाते थे। तो बताते चले कि यह एक लंबी कहानी है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 5 देशों की स्पेस एजेंसियों ने मिलकर बनाया था, जिसमें रूस, जापान, ब्रिटेन की स्पेस एजेंसियां शामिल थीं। मगर स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए रूस के स्पेसक्राफ्ट का अधिकतर इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वह कई बार वहां जा चुका था, उससे काफी अनुभव था। मगर जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तभी से USA ने रूस पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से रूस ने अपनी स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजने से इनकार कर दिया। मगर तब तक USA के पास कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट मौजूद नहीं था जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सक्सेसफुली आ जा सके, इसलिए कुछ समय का वक्त मांगा गया और फिर NASA और USA सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को ऐसे स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए कहा जो सक्सेसफुली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच सकें और रूस के स्पेसक्राफ्ट की मदद ना लेनी पड़े। बस फिर क्या था, 6 महीने के अंदर USA में 2 कंपनियों ने स्पेसक्राफ्ट बना डाले जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सक्सेसफुली आने जाने में सक्षम थे। अगर बात की जाए इन स्पेसक्राफ्ट्स की, तो उनमें से पहला है बोइंग कंपनी के द्वारा बनाए गए स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट, इसके जरिए सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंची हैं, और दूसरा है एलोन मस्क की कंपनी SpaceX द्वारा बनाया गया ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। एंड जैसा कि हमने अभी बताया कि बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर के जरिए सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन में 5 जून को गई थी और 6 जून को दोनों एस्ट्रोनॉट्स सफलतापूर्वक वहां पहुंच गए थे। बताते चले कि NASA का प्लान कुछ अलग था। NASA का प्लान था कि स्टार लाइनर से पहुंचने वाले ये दोनों एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन तक रहेंगे और वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, एंड फाइनली 14 जून को दोनों एस्ट्रोनॉट्स इसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए वापस धरती पर लौट आएंगे। मगर यहां पहुंचते ही सब कुछ अलग होने लगा और कुछ भी प्लान के अनुसार नहीं हुआ, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक करने के दौरान ही एस्ट्रोनॉट्स को स्टार लाइनर के कंप्यूटर में कई मॉल फंक्शन दिखाई देने शुरू हो गए। हालांकि शुरू में इन एरर्स को हल्के में लिया गया था, एंड NASA ने इन एरर्स को ठीक करने का काम एस्ट्रोनॉट बैरी विल्मर और सुनीता विलियम्स को ही दे दिया था। इसके बाद में रिटर्निंग डेट को थोड़ा बढ़ा दिया गया। असल में नेक्स्ट रिटर्न डेट को 26 जून कर दिया गया। असल में इन एरर्स को ठीक करने का काम दोनों एस्ट्रोनॉट्स को इसलिए दिया गया क्योंकि स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट धरती से 400 किलोमीटर ऊपर मौजूद है, इसलिए वहां पर बोइंग कंपनी का कोई इंजीनियर जाकर इन एरर्स को ठीक नहीं कर सकता। इसलिए अब इन्हीं एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वे अपनी स्पेसक्राफ्ट को ठीक करें ताकि वे खुद से धरती पर सेफली लौट सकें। हालांकि शुरुआत में एस्ट्रोनॉट्स सब कुछ सही कर रहे थे। शुरू में इन्होंने स्टार लाइनर के प्रेशर कंट्रोल और पंप असेंबली मोटर में कई सारे रिप्लेसमेंट और बदलाव भी किए, क्योंकि इन्हें ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया जाता है। मगर जल्द ही एस्ट्रोनॉट्स और NASA दोनों को समझ आ गया कि यह माल फंक्शन कोई मामूली माल फंक्शन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार लाइनर के बहुत सारे महत्वपूर्ण पार्ट्स फेल होने स्टार्ट हो चुके हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट उसके थ्रस्टर्स हैं जो पहले ही फेल हो चुके थे। अगर बात की जाए थ्रस्टर्स की, तो अर्थ पर रिटर्निंग के दौरान स्पेसक्राफ्ट की एंट्री की तेज वेलोसिटी को कम करने और सेफ लैंडिंग को गाइड करने का काम थ्रस्टर्स ही करते हैं। हालांकि इसमें 28 थ्रस्टर्स मौजूद हैं, मगर स्टार्टिंग के 10 दिन में ही इसके 5 थ्रस्टर पूरी तरह से खराब हो गए। इसके अलावा इंजन को फ्यूल सप्लाई करने वाले वॉल्व भी खराब हो चुके हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अब NASA के पास इंजन की फ्यूल सप्लाई को कम या ज्यादा करने का विकल्प मौजूद नहीं है। इसके अलावा थ्रस्टर्स को ओवरहीट होने से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हीलियम गैस भी लगातार घट रही है, क्योंकि स्टार लाइनर से ये लीक हो रही है, और अगर यह लीक इसी तरह बढ़ता रहा तो एटमॉस्फेयर में एंट्री के दौरान काफी ज्यादा गर्म हो चुके थ्रस्टर्स को ठंडा करने के लिए रॉकेट में हीलियम गैस बचेगी ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है
कि हीलियम अपने आप में ही एक मेजर समस्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक फ्लेमेबल गैस भी है, जिसकी वजह से यह बहुत ही आसानी से आग पकड़ सकती है। तो देखा आपने, स्टारलाइनर में एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारी समस्याएं हैं जो इन एस्ट्रोनॉट्स का धरती पर आना और भी ज्यादा मुश्किल बना रही हैं। यह सारी समस्याएं इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि कई इंजीनियर्स साफ साफ कह चुके हैं कि इन परिस्थितियों में स्पेसक्राफ्ट की कोई भी गारंटी नहीं है कि एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित धरती पर ला पाएगा। यानी इस तरह से इन खराब पार्ट्स के साथ स्टारलाइनर को वापस अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करना सुसाइड की तरह होगा। वैसे यह मामला कितना सीरियस है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो स्पेसक्राफ्ट केवल 10 दिन के लिए गया था, मगर अब इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि अब तक इसके लौटने की कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं मिली है कि एस्ट्रोनॉट्स कब धरती पर वापस लौटेंगे। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि हमने ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी इमरजेंसी को हैंडल किया है और हम अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि अगर कोई समस्या होती है तो हम वापस धरती पर आने का एक बेस्ट तरीका ढूंढ ही लेंगे। मगर वास्तविकता से कोई नहीं भाग सकता, एंड वास्तविकता यह है कि इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि स्टारलाइनर एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसे 45 दिनों तक स्पेस में रहने के लिए ही डिजाइन किया गया था। हाँ, वो अलग बात है कि इसके पास कुछ बैकअप डेज भी हैं, मगर अफसोस कुछ बैकअप सिस्टम के साथ भी या केवल 72 दिनों तक ही स्पेस में ऑपरेशनल रह सकता है, जबकि हम पहले ही बता चुके हैं कि 60 दिन पहले ही गुजर चुके हैं। अब उनके पास केवल 12 दिन बचे हैं। अगर इन दोनों में ही कुछ नहीं किया गया तो इस स्पेसक्राफ्ट की हालत और भी बुरी हो सकती है और संभवतः 72 दिनों की टाइमलाइन के बाद यह स्पेसक्राफ्ट किसी भी काम का नहीं बचेगा। तो कहा जा सकता है कि अगर बोइंग के इसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए दोनों एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस लाना है तो जो भी कुछ करना है वह 12 दिनों के अंदर करना होगा, नहीं तो बोइंग स्पेसक्राफ्ट किसी काम का नहीं रहेगा। मगर इसके लिए इन्हें स्टारलाइनर के थ्रस्टर्स, वॉल्व और हीलियम लीक जैसी समस्याओं को सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर तब भी स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में एंट्री करने के लायक नहीं रहता तो फिर कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल बोइंग स्पेसक्राफ्ट ही आखिरी उम्मीद है। नासा अगर चाहे तो अब तक कभी का इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस ला चुकी होती, क्योंकि नासा के पास पहले से ही दूसरा स्पेसक्राफ्ट मौजूद है जो बनाया है एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने। अगर बात की जाए एलन मस्क की कंपनी की, तो स्पेसएक्स के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन ह्यूमन रेटेड स्पेसक्राफ्ट मौजूद है, जिसका नाम हम पहले ही आपको बता चुके हैं। जी हाँ, इसका नाम है ड्रैगन। अगर बात की जाए ड्रैगन की, तो यह एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो एक बार में 7 पैसेंजर्स को सुरक्षित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाकर वापस ला सकता है। पिछले कई सालों से स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने कई ह्यूमन मिशन किए हैं। यही नहीं, इस स्पेसक्राफ्ट ने कई सारी कंपनियों के एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया है और उनके पास एक बेहतरीन रिकॉर्ड भी है, जिससे साबित होता है कि उनका स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सुरक्षित है। हालांकि इसके अलावा भी नासा के पास एक और ऑप्शन है जिसका जिक्र हमने पहले ही किया था, उसका नाम है सोयुज। अगर बात की जाए सोयुज की, तो यह एक रूसी स्पेसक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बनने से लगातार किया जाता रहा है और उनके पास सालों का फ्लाइट डेटा उपलब्ध है। यह काफी ज्यादा सुरक्षित है, मगर यह तो साफ है कि रूस की मदद तो यूएसए लेगा नहीं। तो अब बचा एलन मस्क का ड्रैगन। लेकिन अगर बात की जाए स्पेसएक्स की, तो इसके पास कई सारे एडवांटेज मौजूद हैं, जैसे कि स्पेसएक्स द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई मिशन किए गए हैं और इन्होंने जो आखिरी मिशन किया था जिससे ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पहले से ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक है, जो केवल कमांड का इंतजार कर रहा है। अगर अभी भी स्पेसएक्स के ड्रैगन को यह काम दिया गया तो वह बहुत ही जल्द इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित धरती पर वापस ला सकते हैं। मगर ऐसा नहीं किया जा रहा, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो कंपनियों का प्रॉफिट और पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है। असल में जैसा कि हमने पहले ही बताया, स्टारलाइनर को बोइंग कंपनी ने बनाया है और ड्रैगन को स्पेसएक्स ने। इन दोनों के बीच कंपटीशन चलती रहती है। साथ ही नासा खुद भी नहीं चाहती कि वह स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की मदद मांगे, क्योंकि बोइंग को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नासा ने इसीलिए दिया था ताकि नासा स्पेसएक्स पर बढ़ रही अपनी डिपेंडेंसी को खत्म कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेसएक्स इस वक्त न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में इकलौती कंपनी है जो सबसे सस्ते और सेफ तरीके से एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा सकती है। यही वजह है कि नासा बोइंग के स्पेसक्राफ्ट को ठीक करने की ही पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर नासा बोइंग के खराब स्पेसक्राफ्ट की वजह से स्पेसएक्स की मदद मांगने के लिए गई तो बोइंग की रिस्पेक्ट पर असर पड़ सकता है। हालांकि अब समय कम है, अब नासा के पास ज्यादा समय नहीं बचा है
कि वह इस स्पेसक्राफ्ट को छोड़कर कोई दूसरा उपाय ढूंढे ताकि सुनीता विलियम्स और बैरी बिलमोर की जान बचाई जा सके। अब यह नासा पर निर्भर करता है कि वह एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाने के लिए बोइंग कंपनी को नाराज करते हुए स्पेसएक्स से मदद मांगेंगे और उनकी ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए सुरक्षित रूप से एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस लाएंगे या फिर बचा हुआ टाइम भी स्टार लाइनर को ठीक करने में गुजार देंगे। मगर चाहे जो भी हो, अब एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन और राजनीति एक तरफ है मगर किसी इंसान की जान दूसरी तरफ। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।